एयर लिक्विड फर्टिलाइजर न आपके अपराजिता के प्लांट की ग्रोथ को बूस्ट करेंगे बल्कि ढेरों कलियां और फूल लाने में मदद करेंगे। तो किस चीज़ से ये लिक्विड फर्टिलाइजर मैं बनाई हूँ, आज की इस वीडियो इसी पर है। तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में अपराजिता प्लांट की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए और इस भीषण गर्मी में अपराजिता प्लांट की ग्रोथ किस प्रकार से बूस्ट होगी और कौन से फर्टिलाइजर इस भीषण गर्मी में अपराजिता के प्लांट पर यूज कर सकते हैं, इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। तो चलिए जानते हैं। अपराजिता, विष्णुकांता, शंख पुष्पी, बटरफ्लाई, ऐसे कई नाम जो एक ऑर्नामेंटल प्लांट के साथ साथ एक लकी प्लांट की गिनती में आते हैं। इसके फूल डबल और सिंगल दोनों पेटल में पाए जाते हैं। इसके फ्लावर का कलर पर्पल और वाइट कलर में होते हैं। इसके फूलों का उपयोग मेडिसिनल में भी बहुत तायत मात्रा में किए जाते हैं, जिसे आप बीज से और कटिंग से इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसके नीले पुष्पों को लोग कृष्ण कांता और वाइट पुष्पों को लोग विष्णु कांता नाम दिए गए हैं। पुष्प सीप के आकार के सुंदर दिखते हैं, पत्तियां गोल आकार की दिखती है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप अपराजिता के प्लांट लगा रखे हैं और चाह रहे हैं इसकी अच्छी ग्रोथ और अच्छी मात्रा में इसमें ढेरों कलियां आएँ, तो सबसे पहले आपको इस प्लांट को फुल सनलाइट में रखनी है। इसे 4 से 5 आवर की सनलाइट पसंद है और इसकी मिट्टी में मॉइस्चर भी होनी चाहिए, लेकिन ओवर वाटरिंग भी ना करें क्योंकि अक्सर इसके प्लांट रूट वाउंड से घिर जाते हैं और प्लांट खराब हो जाते हैं ओवर वाटरिंग के कारण। ये प्लांट गमलों में भी उग जाते हैं और इसे आप ग्राउंड में लगाएं तो 9 फीट या फिर 10 फीट के ऊंचाई तक ये प्लांट बढ़ते रहते हैं। लेकिन आप अगर गमले में इस प्लांट को लगाना चाहते हैं और अच्छी ग्रोथ देखना चाहते हैं तो कोशिश करें गमले का साइज थोड़ा सा बड़ा रखें, तो आपको अच्छे रिजल्ट और अच्छी फ्लावरिंग भी इसमें देखे जाएगी और प्लांट की ग्रोथ भी तेज होगी। इसके साथ ही साथ इसमें अच्छी फ्लावरिंग लेते रहने के लिए और अच्छी फ्लावरिंग आते रहने के लिए आपको प्रूनिंग भी समय समय पर इस पर ज़रूरी है। आप इसे बेल की तरह भी ग्रो कर सकते हैं या फिर छोटे ट्री की तरह भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसके सूखे फूलों को हटाना, इसके सूखे बीजों को हटाना समय समय पर अच्छी फ्लावरिंग के लिए एक ज़रूरी काम है। अगर आप इसे सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा सीजन है फरवरी माह में, इसके बीजों को लगा सकते हैं। बीज को चाहे तो इकट्ठा करके रख के आप बीजों से ग्रो कर सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी इनके बीजों को खरीद सकते हैं और उन बीजों के माध्यम से सबसे अच्छा समय है आप फरवरी में इनके बीजों को लगा लें और पूरी गर्मी और पूरी रेनी सीजन आपके गार्डन में ये फ्लावरिंग करेंगे। थोड़े से इसमें फ्लावरिंग विंटर में थोड़े से रुक जाती है, विंटर में ये प्लांट थोड़े से डोरमेंसी में चले जाते हैं। उस समय ना इस प्लांट की ग्रोथ होती है, बल्कि ज़्यादा आप केयर ना करें तो ये प्लांट आपके विंटर में ख़राब भी हो सकते हैं। लेकिन ये समर और रेनी सीजन में इसकी ग्रोथ देखते ही बनती है और इसमें फूल भी अच्छी मात्रा में देखे जाते हैं। लोग इसके फूलों को इकट्ठा करके रखते हैं और उनका चाय बनाने में भी यूज करते हैं, क्योंकि इसके फूलों में एक एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो शरीर के किसी प्रकार की सूजन को कम करने में मदद करते हैं। इसमें फ्लावर हैवी मात्रा में होते हैं, तो इसमें फर्टिलाइज़र भी आपको हैवी मात्रा की आवश्यकता पड़ती है, एक रिच फर्टिलाइज़र जो ना आपके कलियां बनाने में मदद करे बल्कि प्लांट की ग्रोथ को भी बूस्ट करे।
तो मैं जो फर्टिलाइज़र इसमें यूज करती हूँ वो बिल्कुल आसानी से आपके घर में भी कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं, उनमें से कुछ चीज़ों को बस आपको लाने की आवश्यकता है और उस फर्टिलाइज़र का यूज करके आप इसमें कलियां और फूल पा सकते हैं ढेरों मात्रा में। तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए आपको पानी लेनी है और उसमें डालनी है, मैं 3 गमले के लिए बना रही हूँ, तो 3 चम्मच के करीब ए फ्रेश चाय पत्ती जो आपके किचन में अवेलेबल हैं, जो एक वेस्ट रिच नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र है जो प्लांटों को बूस्ट करने के साथ साथ ऐसे बहुत सारे फ़ायदे देते हैं। उसके अलावा यूज कर रही हूँ 1 चम्मच के करीब इसमें एक कॉफ़ी पाउडर, उसके अलावा उस इसमें यूज कर रही हूँ 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और 1 चम्मच के करीब DAP जो प्लांटों की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ना आपकी कलियां और फूल लाने में मदद करेंगे जिस वक्त की प्लांटों को भी हेल्दी बनाएंगे। इसके अलावा इसमें नीम खली और पोटास भी यूज कर रही हूँ जो हर तरह की बीमारियों से भी रक्षा करेंगे और पोटास जो फ्लावरिंग लाने और कलियां बनाने में आपको मदद करें। यानी कि इस लिक्विड फर्टिलाइज़र में NPK के अलावा वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भरमार है जो प्लांटों के लिए एक तरह से संपूर्ण फर्टिलाइज़र की पूर्ति करते हैं। इस फर्टिलाइज़र को आप 2 दिन पहले बनाकर रख लें, तुरंत भी इस फर्टिलाइज़र को ना बनाएं, इससे आपके प्लांट जल भी सकते हैं। 2 दिनों के लिए आप इस फर्टिलाइज़र को बनाकर रख सकते हैं। आप चाहें तो पानी में इसे मिक्स करके आप पौधों में दे सकते हैं या फिर डायरेक्ट इस फर्टिलाइज़र को आप थोड़े थोड़े मात्रा में हर तरह के पौधे पर यूज कर सकते हैं। इसका यूज अपराजिता के प्लांट में 15 दिन में करते रहें तो ना आपके पौधे की ग्रोथ बूस्ट होगी बल्कि विकास भी पौधे की तेज होगी और इसमें कलियां और फूल ढेरों मात्रा में लाने में मदद करेंगे और इस समय ये फर्टिलाइज़र तेज़ गर्मी से भी बचाने में मदद करेंगे। तो इस फर्टिलाइज़र को आप 15 दिन में यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इस फर्टिलाइज़र को और भी प्लांटों में यूज कर सकते हैं। मैं इस फर्टिलाइज़र का यूज 15 दिन में अपराजिता के प्लांट पर करती थी। ये अपराजिता के प्लांट मेरे पूरी तरह से सूख चुके थे, पूरे ख़राब हो चुके थे, इसका वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर की थी और इस समय देख सकते हैं ये प्लांट की ग्रोथ भी तेज़ से हुई है और इसमें कलियाँ और फूल अच्छी मात्रा में आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यूज करें इस फर्टिलाइज़र को, खुद ब खुद रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।